हाय गाइस, पॉलीइथिलीन जो कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, नेचर में काफ़ी टफ और ड्यूरेबल होती है और वाटरप्रूफ भी होती है। इसका सिंथेसिस हम कैसे करते हैं? थिलीन जो कि एक एल्कीन होता है उसके पॉलीमराइजेशन से। और इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम जिग्लर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। काफ़ी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर इसका पॉलीमराइजेशन करने पर एल्कीन इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है और उससे हमें 10,000 से 2 लाख यूनिट मॉलिक्यूलर वेट्स तक के हाई डेंसिटी पॉलीमर्स मिल जाते हैं। ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें टाइटेनियम पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। उसके बाद में टाइटेनियम और एल्कीन एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब इस पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकैटायन पर एल्कीन की एक इथाइल चेन ट्रांसफर हो जाती है, इससे हमें एक प्रोपाइल चेन मिलती है। अब क्या होता है, ये प्रोपाइल चेन टाइटेनियम और इथाइल के बीच में जाकर इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह से यही प्रोसेस रिपीट होती है और प्रोपाइल चेन्स जो है टाइटेनियम और इथाइल के बीच में इंसर्ट होने लगती हैं। इस प्रोसेस को हम चेन प्रोपगेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इनिशिएशन कहलाता है और ऐसे करते करते प्रोपगेशन होने लगता है। जब हमें इस प्रोसेस को रोकना हो, हम इसको मिथेनॉल के साथ ट्रीट कर देते हैं और चेन टर्मिनेट हो जाती है और हमें अपने डिजायर्ड लेंथ का पॉलीमर ऑब्टेन हो सकता है। इस पॉलीमर को हम नेचर में आइसोटैक्टिक बोलते हैं। आइसोटैक्टिक से मतलब है कि इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी रेगुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली हैं, यानी कि सेम ओरिएंटेशन में अलाइन होती हैं। जिग्लर नाटा कैटेलिस्ट के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये काफ़ी स्टेबल और काफ़ी एफिशिएंट होता है। हमें मिलने वाले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। ये काफ़ी लो और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होती है और हम इसे रीजेनरेट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मिथेनॉल से ट्रीट करने पर हमने इसका टर्मिनेशन किया, तो इस ग्रोथ को हम अपने लेवल पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जिग्लर नाटा कैटेलिस्ट के एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ लो डेंसिटी पॉलीथिलीन्स, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन्स, थर्मोसेट पॉलीमर्स, यहाँ तक कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कंपोजिट्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब पीवीसी की बात आती है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, उस केस में हम जिग्लर नाटा कैटेलिस्ट का यूज़ इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हो जाता है जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता। तो पीवीसी के केस में जिग्लर नाटा यूज़ नहीं हो सकता, दैट इज़ अ ड्रॉबैक। अदरवाइज जिग्लर नाटा कैटेलिस्ट इज़ अ वेरी यूजफुल कैटेलिस्ट। सी यू सून, बाय।